20,000 के बजट में 5 बहुत ही कमाल के गेमिंग फोन्स लेकर आया हूं, जिनको तुम आज के डेट में बेशक परचेस कर पाओगे। सब कुछ चाहिए तगड़ा कैमरा, हमें चाहिए बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर, सब कुछ चाहिए डिजाइन, लेकिन हमको चाहिए 120 हर्ट्ज़, 140 हर्ट्ज़, पता नहीं कितना, बट बहुत ही फास्ट डिस्प्ले, क्योंकि हम है गेमर्स। So here's the list. 5 सुपर फास्ट स्मार्टफोन्स जो कोई भी गेम्स, मतलब कोई भी गेम मक्खन की तरह स्मूथ चला। और जिन 5 फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनमें से एक ऐसा फोन जिसमें जो प्रोसेसर डाला गया वो तुम्हें लिटरली 1,00,000 रुपए वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। So उल्टा चलते हैं। नंबर 5 में OnePlus Nord 2T 5G। ये फोन खरीदते ही तुम्हारे हाथ में आएगा MediaTek की तरफ से Dimensity 1300। एंड उसके बाद तुम तबाही मचाने वाले हो। कुछ लोगों को MediaTek के प्रोसेसर को लेके काफी ज्यादा डाउट रहता है, एंड उसी डाउट को खत्म करने के लिए मैं बता दूं, ये प्रोसेसर ना कोई भी गेम को हायर सेटिंग्स में बहुत ही आराम से चला लेगा। न्यू स्टेट, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड और भी जितने हेवी गेम्स वो 90 हर्ट्ज़ में चलेगा, वो भी एमोलेड डिस्प्ले में। इस फोन के चार्जिंग को लेकर तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर तुम्हें मिलेगा 80 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्ज, 10-20 मिनट चार्ज करो एंड फिर से गेमिंग में लग जाओ। सो दिस इज द डील। आई मीन OnePlus का ब्रांडिंग मिल रहा है, बजट फ्रेंडली भी, एंड इतना तगड़ा गेम है, तुम्हें जरूर इसको कंसीडर करना चाहिए। वेल नंबर 4, IQ Neo 7। ये जो सब ब्रांड है उसको बनाया ही गया है गेमर्स के, एंड इस फोन को ताकत देता है MediaTek का Dimensity 8200। तो गेम्स बहुत ही फास्ट चलेगा, एंड इस मोबाइल का या फिर प्रोसेसर का एक और यूएसपी यह है, ये 90 हर्ट्ज तक गेमिंग कराएगा तुम्हें। नाउ दैट मींस तुम और तुम्हारे जाने मन अगर सेम टीम में खेलोगे, अचानक से सामने से एनिमी आ जाए, तो फिर तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको मार पाओ। एंड उसके बाद जो तारीफ मिलने वाला है ना, ओहो हाय हाय। वैसे चार्जिंग के बारे में बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। एडिशनली मोशन कंट्रोल जैसे फीचर्स को एक गेमिंग बेस्ड बनाया है। ये तो था बॉटम के 2 स्मार्टफोन, बट कुछ गेमर्स को चाहिए होता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, पता है वो भी फ्लैगशिप। दे आर लाइक, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो चाहिए स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन मतलब स्नैपड्रैगन, तो देता हूं ना स्नैपड्रैगन वाले फोन। नेक्स्ट, तीनों के तीनों फोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आने वाला है। सो नंबर 3, Poco F4 5G। इसमें डाला गया है स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट। और रुक जाओ, पता है कि पोको के कुछ इश्यूज है कि लाइक मदरबोर्ड कुछ, हाँ, बट वो पोको के एक्स सीरीज में होते थे, एंड पिछले शर्मिंदगी को भूलने के पोको वाले इंप्रूव तो करेंगे, तो चांसेस है कि ये फोन बढ़िया हो, एंड स्पेक्स वाइज तो काफी कमाल, तो तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। Realme का ऑप्शन देखना है ना। सो अंडर 30 के Realme की तरफ से GT Neo 3T 5G। इसको याद रखने में मेरे को 5 मिनट लग गया था। एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूँ, रियलमी के जितने भी डिवाइसेस मैंने पर्सनली यूज किया या फिर टीम मेंबर्स ने भी जितने भी यूज किया, एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो, रियलमी ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग। सो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, इसीलिए तो मैंने इसको 2 नंबर पर रखा है। ऐसे थोड़ी। वेल पावर की बात करें तो इसमें भी तुम्हें मिलता है स्नैपड्रैगन का 870। अभी 870 का ना एक अलग ही स्टोरी ये है कि ये प्रोसेसर काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। टेक के भाषा में बोलो तो वेल ऑप्टिमाइज्ड, एंड साधारण शब्दों में बोलो तो ये है टेक्निकल स्काई जो भरोसेमंद है एंड बढ़िया कॉन्टेंट देता है हमेशा, बहुत ज्यादा भी नहीं एंड एकदम कम भी नहीं। हेलो भाई, इसका बीट से शुरू हो गया, तुझे तो मैं देख ही लूंगा, मायरा ला मुगिन तू। बट तुम लोग Realme का GT Neo 3T को देख लेना, पसंद आ जाए तो फिर खरीद भी लेना, लिंक नीचे है। अभी इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया फोन पहले ही बता दूं, इस फोन में तुम्हें मिलेगा स्नैपड्रैगन का ट्रिपल ए, ये है IQ9SE जो कि है अंडर 30 के। इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को Asus के ROG Phone 5 में डाला गया था। हाँ, Asus पता है ना, बट अभी तो शुरुआत है, तुम्हें तो देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले एंड साथ में बहुत ही बढ़िया रैम एंड रोम। बात खत्म। सो यही था लिस्ट, सभी एक से बढ़कर एक, बट मैंने फीचर्स सभी को नंबरिंग कर रखा है, बाकी तो तुम लोगों को पता है। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, तुम्हें जो वाला पसंद है तुम उसको परचेस कर सकते हो। और हाँ, 15-20,000 के अंदर भी आने वाला है गेमिंग फोन्स बहुत ही जल्द, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो स्वागत है, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, सो गुड बाय।